साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी पर दुर्लभ योग बन रहे हैं। इस बार कृष्ण जन्माष्टमी पर अपने पूर्वजों पितरों की शांति के लिए यदि आप कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें आपको सफलता हाथ लगेगी। इस दुर्लभ योग में आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होने के साथ साथ उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान प्राप्त होगा। रोहिणी योग और जयंत योग एक साथ आने बहुत ही दुर्लभ होते हैं, जो कई सौ साल बाद आते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि इस योग में अपने पूर्वजों या फिर पितरों के निमित्त कोई भी कार्य किया जाए तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिनके पूर्वज प्रेत योनि में भटक रहे हो, यदि उनके द्वारा इस कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत पूरे विधि विधान के साथ किया जाए तो उनके पूर्वज प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। जिनके पितर प्रेत योनि में भटक रहे हैं उन्हें मुक्ति मिलती है और वैकुंठ धाम में उन्हें स्थान प्राप्त होता है। हरिद्वार के विद्वान ज्योतिषी पंडित श्रीधर शास्त्री ने लोकल 18 से और क्या कुछ कहा है ये भी सुनिए। 26 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व आ रहा है, तो उसमें विशेष बात यह है कि पद्म पुराण के अनुसार जब सोमवार को संयुक्ता तिथि आती है, अर्थात अष्टमी और नवमी मिली होती है और रोहिणी नक्षत्र होता है, रोहिणी योग होता है, उसको संयुक्ता तिथि बोलते हैं। और रोहिणी नक्षत्र में जो ये तिथि आ रही है इसका विशेष महत्व है। अब की बार जो यह योग पड़ रहा है इसमें एक बहुत ही अच्छा अवसर यह है, जिनके परिवारों में अपने जो पितृ हैं, जिनका हम मतलब ये हमारे से वो विमुक्त मुक्त हो चुके हैं हमारे पूर्वज, और उनके परिवारों में अशांति बनी हुई है, तो ऐसे पितृ प्रेत योनि में चले जाते हैं और उनके उद्धार के लिए ये ऐसा योग आया है। इसमें जो अष्टमी नवमी संयुक्ता तिथि और रोहिणी भी योग बना हुआ है, रोहिणी तिथि भी है, इसमें एक बहुत ही अच्छा अवसर है जो पद्म पुराण के अनुसार ये बताया गया है। इसमें यदि हम इनके निमित्त पाठ पूजा भगवान का व्रत करते हैं, कृष्ण जी की पूजा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का भी जाप करते हैं और विधि विधान से व्रत का पालन करते हैं, तो प्रेत योनि में जो गए हुए हमारे पितर हैं उनको भी मुक्ति प्राप्त होती है और हम सुख प्राप्त करते हैं और परिवार में हमारे सुख शांति बनी रहती है।